है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक में हमने सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ लिया। सिंथेटिक फाइबर में हमने चार पढ़ा था, नाइलोन पढ़ा था, पॉलिस्टर पढ़ा था, रेयन पढ़ा था और एक्रैलिक पढ़ा था, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक्स के बारे में, प्लास्टिक क्या होता है। तो प्लास्टिक, ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्मॉल यूनिट्स, दे कैन बी ईदर लीनियर और क्रॉस लिंक्ड। यानी जो प्लास्टिक होते हैं वो इस तरह से भी अरेंज हो सकते हैं, यानी इसको बोलते हैं लीनियर, इसको क्या बोलते हैं लीनियर, या क्रॉस लिंक्ड हो सकते हैं। जैसे एक ऐसे है, इस तरह है, इस तरह, इसके ऊपर क्रॉस लिंक्ड हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ये हो सकता है, ये है, ये है, ये है, ये है, इसको बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड, क्रॉस लिंक्ड। तो ऑल प्लास्टिक डू नॉट, ये दे आर इधर लीनियर भी हो सकते हैं और क्रॉस लिंक्ड भी हो सकते हैं। प्लास्टिक कैन बी इजिली मोल्डेड इनटू एनी शेप, यानी प्लास्टिक को मोल्ड करके, मोड़ कर, पिघला कर, उसको दूसरे शेप में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, प्लास्टिक को आराम से रिसाइकल किया जा सकता है, इसीलिए बार बार बोला जाता है कि प्लास्टिक की चीज़ों को जलाया ना जाए, उनको डस्टबिन में गार्बेज के रूप में फेंका ना जाए, बल्कि उनको रिसाइकल किया जाए, रीयूज किया जा सकता है। प्लास्टिक की चीज़ों को हम लोग रीयूज कर सकते हैं। प्लास्टिक की चीज़ों को हम कलर कर सकते हैं, प्लास्टिक ग्रीन कलर का है तो फैक्ट्री में ले गए, रिसाइकल करके उसको रेड कलर में कन्वर्ट कर दिए। प्लास्टिक को हम लोग मेल्ट कर सकते हैं, पिघला सकते हैं। प्लास्टिक को रोल्ड इनटू शीट, प्लास्टिक को हम लोग शीट के रूप में रोल कर सकते हैं, शीट माने चादर के रूप में। एंड मेड इनटू वायर, और उसको पतले पतले वायर के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक इज अ प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म इजिली ऑन हीटिंग। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जिसको हीट करने पर वो डिफॉर्म हो जाए, मतलब उसका आकार चेंज हो जाए। थर्मो मीन्स होता है हीट और प्लास्टिक मीन्स प्लास्टिक, यानी ऐसा प्लास्टिक जिसको हीट करने पर उसका आकार चेंज हो जाए उसे बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोप्लास्टिक, तो ये थर्मोप्लास्टिक है। कैन बी बेंट इजली, और थर्मोप्लास्टिक को आराम से मोड़ सकते हैं, ज़रा सा गर्म कर दिए वो आराम से मुड़ जाएगा। एग्जाम्पल में क्या है, पॉलीथीन, पीवीसी। पीवीसी कहाँ देखेंगे हम लोग, जो हमारे घर में वायरिंग वाली पाइप होती है, बिजली की तार की जो वायरिंग होती है उसमें जो पाइप लगा रहता है वो पीवीसी होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म है, पॉलीथीन तो डेली जानते हो। दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, इसका यूज, ये जो प्लास्टिक होता है थर्मोप्लास्टिक, इसका यूज क्या होता है, टॉयज बनाने में, कॉम कंघी बनाने में, कार ग्रिल्स बनाने में, वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर, बाल्टी है, मग्गा है, प्लास्टिक के ग्लास है, प्लास्टिक के बोतल है, कंटेनर बनाने में। सेकेंड है थर्मोसेटिंग, यानी पहला है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा है थर्मोसेटिंग। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है पहले ये जानो। दीज आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, यानी एक बार जब इसको मोल्ड कर देंगे तो दोबारा हीट करने पे वो मोल्ड नहीं होगा क्योंकि वो सेट हो गया। यानी एक ऐसा प्लास्टिक जिसको हीट करेंगे तब भी वो मोल्ड ना हो, वो डिफॉर्म ना हो, वो अपना आकार चेंज ना करे। क्यों, इसका मीनिंग कैसे हुआ, थर्मो मीन्स हीट, सेटिंग माने सेट हो गया। दीज आर कॉल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसलिए इनको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। जैसे बैकलाइट, मेलानाइन, बैकलाइट होता है, मेलामाइन होता है। बैकलाइट का यूज बहुत होता है जैसे इलेक्ट्रिकल स्विचेज में, जो बिजली के स्विच होते हैं, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, किचन में जो बर्तन वगैरह होते हैं उनके हैंडल पकड़ने में। क्यों, क्योंकि उसको हीट मिलेगा तब भी वो गर्म नहीं होगा, वो मोल्ड नहीं होगा, पिघलेगा नहीं और हमारा हाथ भी नहीं जलेगा, ठीक है। मेलामाइन का यूज क्या होता है, फ्लोर टाइल्स, जो फ्लोर पे टाइल्स हम लोग लगाते हैं उसको किचन वेयर, किचन के बर्तन वगैरह बनाने में, किचन के सामान बनाने में यूज होता है मेलामाइन का, ठीक है। तो दो हमने पढ़ा, प्लास्टिक क्या होता है ये पढ़ा। प्लास्टिक दो होता है, एक थर्मोप्लास्टिक होता है, ऐसे देख लो, पहला जो है थर्मोप्लास्टिक होता है जिसको हीट करने पे चेंज हो जाए उसका शेप, उसका यूज़ वगैरह हो गया। सेकेंड होता है थर्मोसेटिंग, जिसको हीट करने पर भी उसका शेप चेंज ना हो। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक टू टाइप्स के होते हैं, बेकलाइट और मेलामाइन। बेकलाइट का यूज क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल स्विचेज, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, और मेलामाइन का यूज क्या होता है, फ्लोर टाइल्स और किचन वेयर। अब इसका यूज अगर देखना हो तो देख लो, यहाँ पर
डायग्राम में, ये देख लो, ये प्लेट बना हुआ है, ये भी कुछ है, ये बाल्टी है, ये भी प्लेट है, ये टाइल्स है, ये स्विच बोर्ड है। यहाँ पर देख लो प्लास्टिक का गैलन है, बोतल है, ढक्कन है, ये इस तरह का चीज़ तुम्हारे घर में होगा, ये है। द वेस्ट क्रिएटेड बाई सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। अब सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक से जो वेस्ट क्रिएटेड होता है उसके बारे में देख लो कि वो इको फ्रेंडली नहीं होता है, यानी वो इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट का फ्रेंड, इको माने इन्वायरमेंट और फ्रेंड माने फ्रेंड, वो इन्वायरमेंट का फ्रेंड नहीं होता, इन्वायरमेंट का दुश्मन होता है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैलाता है, ये पॉइजनस गैसें छोड़ता है, अगर इनको जलाएंगे तो बहुत सारे पॉइजनस जहरीले गैस मिलेंगे जो एयर में आ जाएंगे, जिससे हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। ऑन डंपिंग इन द ग्राउंड दे मे टेक ईयर्स। अगर इसको ज़मीन में गाड़ देंगे, ज़मीन के नीचे गड्ढे में डाल देंगे, तो इसको जो है डीजनरेट होने में ईयर्स लगेंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर, इसीलिए इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो आसानी से डिग्रेड हो जाए, जो आसानी से मिट्टी में मिल जाए, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो मिट्टी में न मिले, सालों लग जाते हैं मिलने में। तो ये सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक का हार्मफुल इफेक्ट है। ठीक है, ये पार्ट यहीं पे फिनिश होता है।